ये एनर्जी स्वराज यात्रा बस है, ये इसको बस नहीं मैं अपना घर बोलता हूँ, क्योंकि इसमें घर में जितने उपकरण है, जो रहने की सुविधा वो सब है। मैं 11 साल की यात्रा पे निकला हूँ, तो इसमें बस में सोने की जगह है, इसमें खाना बनाने की जगह है, वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, इसमें छोटा सा मंदिर है, ऑफिस है, पीछे एक साइकिल भी है, तो हम लोकल शॉपिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो और ये सब सोलर पे चलता है, ऊपर पैनल लगे हैं, नीचे पानी की टंकी है। तो हमारी रोज की जो दिनचर्या के लिए जो जो भी सामान लगता है, ये बस के अंदर सारा है। कितने साल हो गया है? ये करीब मुझे 2.5 साल हो गए हैं, तो भी प्रिसाइज आज की तारीख में 593 दिन हो गए, आज 593 दिन है। और ये 11 साल है, तो 2030 तक ये यात्रा कंटिन्यू चलती रहेगी। आप 11 साल तक ये बस में रह गया? मैं 11 साल तक घर नहीं जाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है, तो मैं बस में ही रहता हूँ। होली दिवाली छुट्टी सैटरडे संडे बस ही मेरा घर है। क्या संकल्प लिए, क्या क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि ये जो समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है, जलवायु परिवर्तन, ये छोटी मोटी नहीं है। कितनी गंभीर है, ये मनुष्य के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह है, कि आज के 100 साल बाद, 125 साल बाद, 150 साल बाद मनुष्य का जीवन रह सकता है कि नहीं रह सकता, रहेगा तो कैसा रहेगा, कितनी संख्या में रहेगा। इतना खतरनाक है क्लाइमेट चेंज, जो हम 99% लोग समझते नहीं। तो यही उद्देश्य है, इसलिए मैंने इतना कड़ा संकल्प लिया है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, पर कि 11 साल घर नहीं जाऊंगा, ताकि लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि हम सब ने क्लाइमेट चेंज किया है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, सरकारों के प्रयासों से ये ठीक होने वाला नहीं है, और हम सबको अपनी जरूरतों को कम करके 100% सोलर पे जीवन लाने की जरूरत है। नमस्कार, आमार नाम नीला मजुमदार, आई एम विद अर्थ डे नेटवर्क एंड प्रोफेसर सोलंकी, हु इज एन IIT प्रोफेसर ऑफ बॉम्बे, इज आवर एडवाइजर। ही हैज अंडरटेकन एनर्जी यात्रा 11 বছরের জন্য। এই 2 বছরের মধ্যে সে 13টি স্টেট অফ ইন্ডিয়া কভার করে ওয়েস্ট বেঙ্গল পৌঁছলো, আর কলকাতায় উনি ইউনিভার্সিটিজ স্টুডেন্টস আপনারা প্রেসদের সঙ্গে মিট করছে, বেসিক্যালি একটা পাবলিক মুভমেন্ট শুরু করতে, যেটা ইজ টু বি এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড গো অফ দ্য গ্রিড। তো ওনার একটা এনার্জি লিটারেসি কোর্সও আছে, যেটা এনার্জি স্বরাজ ফাউন্ডেশন যেটা উনি ক্রিয়েট করেছে আর ডে নেটওয়ার্ক এর সাথে, আমরা সেটা বেসিক্যালি প্রচারিত করছি উইথ অল দ্য স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস, নট অনলি ইন ইন্ডিয়া বাট অল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। উনি এই 11 বছরে প্রায় 4-5 বার পুরো ইন্ডিয়া ঘুরবেন। উনি অলরেডি বোধহয় 24,000 কিলোমিটার্স করে ফেলেছেন, অ্যান্ড হি ইজ মেট 1,25,000 পিপল, অ্যান্ড হি ইজ হোপিং টু রিচ আউট টু 100 crore পিপল, সো দ্যাট দে ক্যান মুভ টুয়ার্ডস এনার্জি এফিশিয়েন্সি, গো অফ দ্য গ্রিড ইফ পসিবল। এই বাসটার নাম কি দিয়েছেন? উনি এনার্জি স্বরাজ দিয়েছেন, বিকজ এটা উনি একটা এনার্জি স্বরাজ যাত্রা, যেরকম গান্ধীজি একটা পদযাত্রা করেছিলেন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স, উনিও এই এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্যে হি বেসিক্যালি ইজ ট্রাইং টু কনভিন্স পিপল। ওনার মন্ত্রা হচ্ছে AMG, টু অ্যাভয়েড এনার্জি ইউজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, তারপরে মিনিমাইজ এনার্জি ইউজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, আর সেটা যদি না হয় generate as little as possible, and if you can generate with solar power, which is the easiest way, especially in India. Yeah, apne naam to Neela Mojumdar with Earth Day Network India.